क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन जीएनपी ब्रैकेट्स में एमपी। एमपी मतलब क्या होता है ब्रैकेट्स में जब होता है? मार्केट प्राइस। सो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, अब आपको पता है सिर्फ वो मार्केट प्राइस पे आपको एक्सप्लेन करना है। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता क्या है? वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री ड्यूरिंग वन अकाउंटिंग ईयर एट प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस। ओके, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस का मतलब, जीएनपी का मतलब क्या है? वैल्यू ऑफ फाइनल, फाइनल ना कि इंटरमीडिएट, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री ड्यूरिंग वन अकाउंटिंग ईयर। सो प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग विद इन अ कंट्री ड्यूरिंग वन अकाउंटिंग ईयर। ये तो होता है आपका जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। यदि मैं इसी को एट मार्केट प्राइस लिख दूं या एट मार्केट वैल्यू, तो क्या हो जाएगा ये? जीएनपी एमपी, सिंपल। तो पढ़ते हैं, जीएनपी एमपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट वैल्यू। जीएनपी एमपी रिफर्स टू ग्रॉस नेशनल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री ड्यूरिंग वन अकाउंटिंग ईयर एट प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस। एट मार्केट प्राइस, मार्केट वैल्यू जिस पे है उस पे डालो एमपी। सो वी विल बेटर से इट मार्केट प्राइस, एट प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस। सो फॉर्मूला लिखते हैं, अपने हाथ से लिखो, जीएनपी एम पी ब्रैकेट में इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम प्लस आर माइनस पी। तो सी आई जी मतलब क्या है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, आई इन्वेस्टमेंट, जी गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट्स, प्लस एक्स माइनस एम। एक्स मतलब क्या है? एक्सपोर्ट माइनस एम इंपोर्ट्स। सो नेट एक्सपोर्ट वैल्यू आ गया, प्लस आर माइनस पी। आर माइनस पी क्या है? नेट इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट अब्रॉड। सो ये एट मार्केट प्राइस का फॉर्मूला। जीएनपी को लिखो एंड एट मार्केट प्राइस आगे लगा दो, हो गया जीएनपी एमपी।